ये देखो मेरी मम्मा ने बहुत टेस्टी सैंडविच बनाई है। थैंक यू मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सैंडविच। इसमें हमने ली है, ये बहुत कम चीज़ों में बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ 15 मिनट्स में सैंडविच रेडी हो सकती है। तो हमने इसमें लिया है ब्रेड, चिकन को नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और मसाला डालकर बॉईल कर ली हूँ, अमूल बटर ली हूँ, 3 मीडियम साइज़ की डब्बा मिर्ची कट कर ली हूँ और हमें चाहिएगा 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स और ली हूँ अमूल चीज़। बस इतनी ही चीज़ों में हमें बनाने हैं, ये बहुत आसानी से बना सकते हो। अब हम इसे मिक्स करके रेडी करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। तो हमने इसमें जो डब्बा मिर्ची कट करी थी वो सारी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा मिर्ची पाउडर और 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स पाउडर। ये बहुत ही तीखा स्पाइसी होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा कम डालना होगा। और ये मिक्सचर को हमें मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्सचर रेडी है, अब हम सैंडविच के ब्रेड में मिक्स करेंगे। ये बहुत इजीली बनता है, बच्चों के ब्रेकफास्ट में भी आप बना सकते हो, स्कूल के लंच में भी दे सकते हो। सिर्फ 15 मिनट में सैंडविच बनके रेडी हो जाती है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। चलो अब हम रेडी कर रहे हैं सैंडविच। हमने ब्रेड ली हूँ एक स्लाइस, इस पर बटर अच्छे से लगा ली हूँ। हमें इसकी कोर कट नहीं करनी है क्योंकि टोस्ट में तो अच्छी लगती है। अगर कच्ची सैंडविच आप बना रहे हो तो आपको इसकी कोर कट कर लेनी होगी। अब हम इसमें रखेंगे चिकन की फिलिंग, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, इतनी रखनी है कि अंदर ही सिर्फ रहे, टोस्ट होने के बाद बाहर ना आए। बहुत ज़्यादा होती है तो अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। और आप इसमें अमूल की स्लाइस भी रख सकते हो और खुरच कर भी रख सकते हो। मैंने अभी ये चीज़ ली हूँ तो इसे हम खुरच लेंगे। और अगर इसमें आप काकड़ी भी रखना चाहे तो रख सकते हो, अच्छी लगती है अगर आपके घर में वेजिटेबल्स खाते हैं तो। ये भी हमने चीज डाल रहे हैं, हमें अच्छे से इसे खुरच लेनी है। देखो आप देख सकते हो हमारी इतनी जल्दी सैंडविच कैसी बनी है, कम टाइम में और कम चीज़ों में। और हम अब हम दूसरी स्लाइस ब्रेड लेंगे, इसे ऊपर की साइड मस्का लगाएंगे और इसे रखेंगे और अब हम इसे टोस्ट करेंगे। चलो अब हमारी सैंडविच बनके रेडी है। देखो कितनी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हो। हमें नीचे भी बटर लगाना है और ऊपर भी। अब हमें इसे प्लेट में सर्व करेंगे। अभी हमारी सैंडविच बनके रेडी है, इसे हमने कट कर ली है और ऊपर से भी थोड़ी चीज़ डाली है। अब आप इसे मायोनीज और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये देखो मेरी मम्मा ने बहुत टेस्टी सैंडविच बनाई है। थैंक यू मम्मा। ये हमने टोस्टर मशीन, ग्रिल मशीन है, ये हमने अमेज़ोन पे से ऑर्डर करा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी अमेज़ोन पे से ऑर्डर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक इसकी दी है और ये चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो आप देख सकते हो और इसमें बड़े भी है, नीचे लिंक दी हुई है अगर आपको ऑर्डर करना हो।